आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में दो जाने माने इलेक्ट्रिक ऑटो प्याजो आपे ई सिटी एफएक्स मैक्स और महिंद्रा ट्रियो का कंपैरिजन करने वाले हैं। यानी कि अगर इन दोनों ऑटो में से कोई एक ऑटो आपको लेना हो तो कौन सा ऑटो आपको लेना चाहिए। आप देख रहे हैं मोटर एक्सप्लेन। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले प्याजो आपे ई सिटी एफएक्स मैक्स के बारे में बात हम कर लेते हैं। अगर बात करें बैटरी पैक की तो इसमें 8 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है। रेंज मिलती है 145 किलोमीटर की सिंगल चार्ज पर। मोटर की बात करें तो इसमें 5.44 किलोवाट की मोटर दी गई है। चार्जिंग टाइम है इसका 3 घंटे 45 मिनट का। बॉडी की बात करें तो मेटल बॉडी इसमें आती है, मतलब ज्यादा सेफ्टी। टायर साइज की बात करें तो इसमें 12 इंची के टायर मिल जाते हैं। टॉप स्पीड की बात करें तो इसमें 55 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिल जाती है। टेक्निकल फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, हील होल्ड असिस्ट, जीपीएस वगैरह मिल जाते हैं। प्याजियो ने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसमें बैटरी को डिग्गे के पास में दिया है। केबिन स्पेस की बात करें तो स्पेस को लेकर कोई भी कमी कंपनी ने इसमें नहीं दी है। वारंटी की बात करें तो इस पर आपको 3 साल और 1,75,000 किलोमीटर की मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो इसकी एक्सोरूम कीमत है 3,54,000 रुपए के आसपास। अब बात कर लेते हैं महिंद्रा ट्रियो के बारे में। बैटरी पैक मिलता है 10 किलोवाट आवर का लिथियम आयन। मोटर मिल जाती है 8 किलोवाट की। चार्जिंग टाइम है इसका 4 घंटे 30 मिनट का। बॉडी की बात करें तो इसमें आपको फाइबर प्लस मेटल दोनों मिल जाते हैं, लेकिन मेटल वाले वेरिएंट में आपको पूरी तरह से मेटल का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। कुछ कुछ जगह पर आपको फाइबर भी मिल जाएगा जो कि सेफ्टी के लिहाज से सही नहीं है। टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको 12 इंच के ट्यूब टाइप टायर मिल जाते हैं। टॉप स्पीड है इसकी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की। फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें कुछ खास फीचर्स नहीं दिए गए हैं। जीपीएस वगैरह इसमें आपको मिल जाता है। वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 3 साल और 1,20,000 किलोमीटर की मिल जाती है। किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो ये कम है। मैक्सिमम प्राइस की अगर बात करें तो ये 3,44,000 रुपए से लेकर 3,70,000 रुपए तक चली जाती है। अब अगर मैं प्याजी आपे ई सिटी एफएक्स मैक्स और महिंद्रा ट्रियो को कंपेयर करूं तो लुक के मामले में प्याजियो आपे ई सिटी एफएक्स मैक्स ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू महिंद्रा ट्रियो। कहने को तो महिंद्रा ट्रियो एक ऑटो है, पर लुक के मामले में ये ई रिक्शे की तरह ही लगता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि महिंद्रा ट्रियो में रेंज मिलेगी क्योंकि इसकी बैटरी बड़ी है, लेकिन इसका चार्जिंग टाइम ज्यादा है प्याजियो आपे से। दोनों ही ऑटो में आपको ऑफ बोर्ड चार्जर मिलेगा। प्याजियो आपे ई सिटी एफएक्स मैक्स में मिलता है 2 किलोवाट का और महिंद्रा ट्रियो में मिलता है 3 किलोवाट का। 3 किलोवाट के चार्जर से बैटरी टाइम पर चार्ज तो हो जाती है, लेकिन इस चार्जर में अक्सर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों ऑटो में से कौन सा ऑटो आपको लेना चाहिए तो प्याजियो आपे ई सिटी एफएक्स मैक्स ज्यादा बेहतर है। एक तो इसमें फाइबर का इस्तेमाल सिर्फ मडगार्ड के लिए किया गया है, बाकी पूरी बॉडी मेटल की है और ये देखने में कंप्लीट ऑटो की तरह ही लगता है। और फीचर्स भी आपको इसमें महिंद्रा ट्रियो ज्यादा मिल जाते हैं। वैसे आपको कौन सा ऑटो ज्यादा पसंद है कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं इरशाद सैफी आप सभी से विदा लेता हूं। मिलता हूं आपसे आने वाली अगली वीडियो में। आपका समय अच्छा रहे। धन्यवाद।